ये मैंने ओरियो के 2 पैकेट ले लिए हैं, ये ओरियो का छोटा पैकेट है 2 ले लिया है मैंने, और ये 5 बिस्किट है, मैंने मैरीगोल्ड ले रखा है। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, क्रीम वाला भी ले सकते हैं या बिना क्रीम वाला भी ले सकते हैं। बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल लेना है, इसको पीस करके हम बिस्किट का पाउडर बना लेंगे। बिस्किट का पाउडर बना लिया है मैंने। कढ़ाई को लो फ्लेम पर रखेंगे और इसमें कढ़ाई के अंदर इस तरह की कटोरी हो आपके पास या फिर इस तरह की हो, किसी भी साइज की, इस तरह की मैं रख देती हूँ इसके अंदर। और रखने के बाद हमें इसके ऊपर और इसको प्लेट से ढक देंगे। अभी कढ़ाई लो फ्लेम पर है और इसको 10 मिनट तक इसी तरह से रखेंगे, तो 10 मिनट तक हमें इसे प्री हीट करना है। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। बिस्किट के पाउडर को बर्तन में डालेंगे। ये मैंने 1 कप दूध लिया है, ये उबाला हुआ दूध है, ये पैकेट का दूध है, अभी ये रूम टेम्परेचर पे। दूध को थोड़ा थोड़ा डाल करके बिस्किट के पाउडर का हम एक बैटर तैयार करेंगे, एक घोल तैयार करेंगे। एक खट्टा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और मैं इसे विस्कर से मिक्स कर रही हूँ, आपके पास कोई चम्मच हो तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं। जब तक कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर को ना ज़्यादा पतला रखेंगे ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। चम्मच में बैटर को लेकर के जब ऊपर से गिराएं तो रिबन जैसा बनना चाहिए। इस बर्तन में बैटर को डालेंगे, आप इसकी जगह पे कोई कटोरा भी ले सकते हैं। ये मैंने नॉर्मल पेपर लिया है, इसे मैं बर्तन में नीचे की साइड में रखूंगी, आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस बर्तन को हम इस पे रखेंगे और बर्तन के चारों तरफ से ऐसे एक सर्कल बना लेंगे। पेपर को कैची की हेल्प से एक सर्कल के शेप का हम काट लेंगे। ये मैंने गोल शेप का इसे काट लिया है। इस पेपर के दोनों तरफ हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे, और आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ही ऑयल लीजिएगा जिसमें उसकी स्ट्रांग स्मेल ना हो। ये पेपर की दोनों साइड पे मैंने ऑयल लगा लिया है, इसको इसके अंदर रख लेंगे। और ये जो बर्तन लिया मैंने, इस भगोने में अंदर की साइड पे भी हमें यहाँ पे ऑयल लगा लेना है। बर्तन पर ऑयल लगा लिया है, 1 कप दूध इसमें पूरा लग गया है, आधा चम्मच इनो डालेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, ये देखिए। अब इसके बाद हमें इसको बैटर को घोलना है और एक ही डायरेक्शन में हम इसको घोलेंगे। इनो हम तभी डालेंगे जब हमको बैटर को डालना हो बर्तन में और सीधे कढ़ाई में रखना हो, तभी डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसे इस बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 कप दूध पूरा लग गया है, 2 चम्मच और ऊपर से एक्स्ट्रा लग गया है, तो इसको डाल लेते हैं। बैटर को अच्छी तरह से इसमें फैला लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इससे अंदर के एयर बबल्स निकल जाएंगे। अब इसको हम कढ़ाई में रखेंगे। प्लेट को हटाएंगे, कढ़ाई गर्म है, इसमें भगोने को रख देंगे। अब हम इसे प्लेट से ढक देंगे। इसको 20 मिनट के लिए गैस पर रख देंगे, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम है। 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। कढ़ाई पर से प्लेट हटाएंगे, कढ़ाई गर्म है काफी, तो ध्यान से हटाएंगे। बैटर अभी हम चेक करेंगे, अभी बैटर गीला है तो अभी से 10 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। 20 मिनट और पूरे हो चुके हैं और ये प्लेट में हटा रही हूँ, और ये देखिए लगता है कि बन गया है। हम इसमें टूथपिक डाल करके चेक करेंगे, ये देखिए टूथपिक हमारी क्लीन आई है, तो इसका मतलब है कि हमारा केक पक चुका है। और इसको टोटल पकने में 40 मिनट लग गया है। गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। आपको 6-7 मिनट कम या 6-7 मिनट ज्यादा भी लग सकते हैं, ये गैस की फ्लेम पे डिपेंड करता है। इस समय बर्तन बहुत ही गर्म है, तो बहुत ही सावधानी से कपड़े के हाथ से इसको ऐसे मैं उठा लेती हूँ, इसको बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है और आप देख रहे हैं कि केक हमारा ये साइड से छोड़ रहा है। इसकी साइड से चाकू लगाएंगे, इससे हमारा केक आसानी से निकल जाएगा। बर्तन के ऊपर हम प्लेट लगाएंगे और प्लेट से ढकने के बाद हम इसको पलट देंगे, धीरे से पलटेंगे इसको, ये देखिए। अब हम इसको निकालते हैं। इसके ऊपर का पेपर हम हटा देंगे, धीरे धीरे हटाएंगे हाथ से, ये देखिए कितने आराम से निकल जा रहा है। और देख के आपको पता चल ही रहा होगा कितना स्पॉन्जी बना है ये केक। ये मैरीगोल्ड बिस्किट का छोटा पैकेट है 10 रुपीज का, तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। बिस्किट के टुकड़े करके जार में डालेंगे। बिस्किट के पाउडर में हम 1/2 चम्मच शुगर डालेंगे। अब इसको भी हम पीस लेंगे। कटोरी में मैंने 4 चम्मच गुनगुना पानी लिया है और इसमें अब हम 2 चम्मच शुगर पाउडर डालेंगे। इससे हम चीनी पानी का घोल बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिस्किट का पाउडर डालेंगे बर्तन में।
ये मैंने दूध लिया है जो कि पहले का उबाला हुआ है, इस समय रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके एक हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो दूध को डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, इसमें ये खट्टा दूध नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। ये देखिए कुछ क्रीमी टेक्सचर में ये आ गया है। ये दूध का पैकेट है, इसे मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया है। अब इसमें ये जो क्रीम हमने तैयार की थी इसको हम डालेंगे, ये जो पेस्ट हमने तैयार किया था इसको हम डालेंगे। और इसको हम एक दूध के पैकेट से पाइपिंग बैग तैयार कर रहे हैं। दूध के पैकेट से मैंने पाइपिंग बैग तैयार किया है और इसको मैंने रबर बैंड से सिक्योर कर लिया है। केक के ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पूरे केक पर फैला देना है ताकि ये एब्जॉर्ब कर ले। केक के ऊपर चॉकलेट सिरप लगाएंगे। केक हमारा इस स्टेज पे रेडी है और आप इसे खा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे तो डेकोरेशन करना ऑप्शनल है। केक के ऊपर हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम को अच्छी तरह से केक के ऊपर इस तरीके से फैला लेना है। साइड में डालेंगे चॉकलेट सिरप और साइड में चॉकलेट सिरप को हम फैला लेंगे। अभी इस स्टेज पर केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सेट होने के लिए। केक के ऊपर सेंटर में ग्रेटेड व्हाइट चॉकलेट डालेंगे। इस तरह से सेंटर में ग्रेटेड व्हाइट चॉकलेट डाल दिया है मैंने। अब इसकी साइड में हम फ्लावर बनाएंगे जो हमने क्रीम तैयार की थी उसी से। ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर बन रहा है। नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे। ये वही पाइपिंग बैग है जो हमने दूध के पैकेट से तैयार किया था। धीरे धीरे घुमाते जाना है और इसके ऊपर इस तरीके से हम अपना फ्लावर बना लेंगे। ये चॉकलेट बॉल रख दिए मैंने इसके ऊपर, देखिए कितना सुंदर लुक आया है। एक सेंटर में यहाँ पे हम बॉल को रखेंगे। इस बॉल के बीच सेंटर में ये जो चॉकलेट बॉल रखी है इसके चारों तरफ हम जेम्स लगाएंगे। सेंटर में चॉकलेट बॉल के चारों तरफ मैंने जेम्स लगा दिया है। केक के चारों तरफ फ्लावर्स बना दिया है मैंने और उसमें चॉकलेट बॉल लगा दी है। देखिए लुक कितना प्यारा रहा है। अगर आपको केक पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको केक को कट करके दिखाती हूँ कितना ये इजिली और स्मूथली कट जा रहा है। ये देखिए मैं आपको केक को पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा बना है। आप कमेंट करके बताइए केक आपको कैसा लगा।